हेलो दोस्तों, आज मैं साबूदाना बड़ा बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, मैंने साबूदाना 1 कप भिगोया था 1-2 घंटा पहले। ये फूल गया है, सेट हो गया है पूरा, इसका पानी ख़त्म हो गया है। अब मैं इसमें आलू ये उबाल के रखी हूँ वो मिलाऊंगी। इसको छील लूँगी पहले। और इसमें मूंगफली मैंने इसको ददरा कूट लिया है हल्का, ज़्यादा इसको पाउडर नहीं की हूँ। और इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, आप चाहे अपने तीखे के अनुसार डाल सकते हैं। और हल्दी थोड़ा सा गरम मसाला, और ये थोड़ा सा मैं अमचूर पाउडर ली हूँ, और ये जीरा। इसमें आलू मैं छील के पहले मैश कर लूँगी। अब इसमें मैं सारे मसाले डाल के मिक्स करूँगी अच्छे से। और लास्ट में थोड़ा सा धनिया है कटी हरी, उसको भी मैं इसमें डाल दूंगी। सबको अब मिलाते हुए अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, मेरा रेडी हो गया है मिक्स। अब मैं इसको छोटा छोटा लेके बॉल की तरह से उसको टिकिया का शेप दे दूँगी। देखिए, मेरा सारा टिकिया बन गया है। मैं अब इसको तलने जा रही हूँ पैन में। तेल मैंने पहले से रख दिया था तो गर्म हो गया। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ। ये देखिए, मैंने डाल दिया। और इसको मैं पलट के दोनों तरफ से ऐसे सेक लूँगी, तल लूँगी। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना पड़, इसको पलटना पड़ता है क्योंकि साबूदाना। ये देखिए, मेरा साबूदाना बड़ा हो गया। मैं इसको ऐसे निकाल लूंगी। थोड़ा सिक गया है अच्छे से, सॉरी तल गया है। ये देखिए, देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। ऐसे मैं दूसरी बार भी तलूंगी। और इस तरह से मैं एक पैन में भी सेलो फ्राई जिसको बोलते हैं, उसको भी मैं ऐसे पैन में तेल थोड़ा सा लगा के वो उसको मैं ऐसे भी सेक के भी बनाते हैं। उसको दोनों तरह से बनता है, अच्छा लगता है। देखिए, इसको आराम से धीरे धीरे पलट लेंगे। इस साइड भी पलट के इसमें तेल ऐसे ही ब्रश से ही चारों तरफ लगा के इसको भी सेक लेंगे। देखिए, दूसरी बार भी मैंने ऐसे ही सब तल के निकाल लिया। इसको दोनों तरह से अच्छे से बन जाता है आसानी से। आप जैसे चाहें, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप बना के खा सकते हैं। ये देखिए, मेरा साबूदाना टिकिया रेडी हो गया है। देखने में तो अच्छा लग रहा है। आप भी बनाइए ऐसे जैसे आपको पसंद हो, या तो आप डीप फ्राई करके या सेलो फ्राई करके आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। दोनों तरह से अच्छे से बन जाता है। देखिए, मैं निकाल के प्लेट में दिखाती हूँ।